पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा की चोर गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई। धनबाद थाने अंतर्गत दिलाखेड़ी गांव में आशंकित चोर पुलिस की गिरफ्त में। एक दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल और 3 इनामी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। धनबाद थाने की बड़ी कार्रवाई से गुना जिले में गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, गुना जिला धरनावादा के अंतर्गत पार्थिव बाहुल्य गांव बीलाखेड़ी में गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गुना जिले से भारी पुलिस बल ने छापे में बीलाखेड़ी गांव से लावारिस हालत में 12 मोटरसाइकिल और 3 इनामी बदमाश संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। गुना पुलिस अधीक्षक जब से जिले में आए हैं तब से निरंतर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से गुना जिला एडिशनल SP TS बघेल और धरनावादा थाना प्रभारी गजेंद्र भदला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ कुछ बदमाश इनामी बदमाश हैं और चोरी का कुछ सामान मोटरसाइकिल इत्यादि वगैरह यहाँ होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर से एक बड़ी संख्या में बल को एकत्र किया गया। गोपनीयता रखते हुए यहाँ पर सभी हमारे जिले के एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरे जिले के बल ने यहाँ दबिश दी, जो हमारे एडिशनल SP बघेल जी के नेतृत्व में और SDOP श्री तिवारी जी, SDOP प्रियंका जी, सभी थाना प्रभारी हमारे RI साहब, ये सभी लोग मिलकर यहाँ एक बड़ी संख्या में बल लेके आए। महिला बल भी था, पुरुष बल भी था। यहाँ दबिश देने पर 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनके नाम घोषित हैं, जो कि आरोपी हैं। इसके अलावा करीब 12-13 के आसपास मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं। बाकी भी अभी सर्चिंग जारी है, कुछ और संदिग्ध सामान मिलने की संभावना है। इस तरह के गाँव में हमारा सबको संदेश ये है कि ये गलत रास्ता, गलत काम छोड़ के सही दिशा में काम करें, सही दिशा में आगे बढ़ें। हमें हमारी गाँव वालों से चर्चा भी हुई है, उनको समझाया भी जा रहा है, अगर ये सही काम करेंगे तो इस तरह की स्थिति का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ेंगे, समाज की योजनाओं का लाभ लेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ लेंगे और इनके जो भी ऐसे गलत काम जो करने वाले जो इस दिशा में जा चुके हैं वो अपराध बोध को महसूस करते हुए समक्ष में आए, हाजिर हों, नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ हमारे कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय सभी ये चाहते हैं, न्यायाधीश महोदय भी ये चाहते हैं कि ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े और इन कामों से मुक्त हों। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। अभी जिनको पकड़ा गया है उनका विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।